खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां आरक्षकों का वीडियो आया सामने। स्पाट सेंटर के अंदर अर्धनग्न पुलिस आरक्षक युवतियों से अनैतिक कृत्य के डिमांड का आरोप है। तीनों आरक्षक मरीना ट्रैफिक थाने में पदस्थ है। तीनों आरक्षक निलंबित हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जी आपको बता दें, पुलिस वालों का स्पाट सेंटर में अर्धनग्न वीडियो सामने आया है। युवतियों से अनैतिक कृत्य की डिमांड की है। आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभागीय हेड इमरान खान। बताए इमरान, क्या है पूरा मामला? कल ही के दिन ये मामला सामने आया था कि तीन आरक्षक स्पाट सेंटर में महिला से अनैतिक कृत्य की डिमांड कर रहे हैं। अब उसका सीसीटीवी भी सामने आ गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की ये शर्मनाक हरकत। बिल्कुल देखिए प्रियांशी, मैं आपको बता दूं कि मुरैना पुलिस के तीन सिपाही राजकुमार गुर्जर, नरेंद्र और आशुतोष सकरवार ने ग्वालियर के पौष इलाके सिटी सेंटर स्थित स्पा सेंटर में जमकर उत्पाद मचाया था और तीनों यहां कार से पहुंचे थे और स्पा सेंटर के अंदर घुसकर महिला के साथ कहीं ना कहीं अभद्रता भी की और झूमा झटकी की थी और यहाँ तक कह डाला था कि पकड़ रोपे और बुवाली सर्विस हमको चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि पुलिस ने तीनों आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था। मामला दर्ज करने के बाद उन पर निलंबन की भी की गई है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया और जिसमें देखा जा सकता है कि खाकी को कितना शर्मसार करने वाला मामला सामने निकल कर आया है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दो पुलिसकर्मी अर्धनग्न अवस्था में पुलिस की वर्दी में स्पा सेंटर में महिला से अश्लीलता की डिमांड कर रहे हैं और अश्लीलता की डिमांड करने के बाद महिला के द्वारा पूरी न करने पर आरोपी पुलिसकर्मियों ने स्पा सेंटर चलाने वाली महिला के साथ भी अभद्रता की और गाली गलौज भी की। इस मामले की महिला ने शिकायत की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कराया, गिरफ्तार कराने के बाद उनको निलंबित भी कराया। लेकिन निलंबन और गिरफ्तार से पूरा मामला नहीं होता है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक बार फिर कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार होती नजर आ रही है। एक पुलिस की वर्दी पहने, जन सेवा देशभक्ति की वर्दी पहनने के बाद इस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से आरक्षक देखे जा रहे हैं, एक महिला के साथ अभद्रता, झूमा झटकी और उसको अनैतिक कृत्य करने की उसको डिमांड करते हैं, डिमांड पूरी ना करने पर उस स्पा सेंटर में कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा कर देते। हंगामा खड़ा करने के बाद किस तरीके से देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि तीनों आरक्षकों के द्वारा कहीं ना कहीं इतना भद्दा कृत्य कहीं ना कहीं किया गया है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार होती नजर आ रही है। और खाकी जिस तरीके से अगर शर्मसार होती है तो जो देशभक्ति जनसेवा श्रोवन लेकर जो पुलिस के जवान कहीं ना कहीं घूमते जनता की सेवा के लिए जिनको नौकरी दी जाती है देशभक्ति के लिए, वो अगर इस तरीके कृत्य करेंगे तो आम जनता, आम पब्लिक उस स्पा सेंटर में जाकर किस तरीके से व्यवहार उन महिलाओं के साथ किया जा सकता रहेगी और क्या नहीं करेगी। तो स्पष्ट सीसीटीवी में देखा जा सकता है प्रियांश जी किस तरीके से पुलिसकर्मी अपना रुतबा दिखा रहे हैं और खाकी के अर्धनग्न होकर उस महिला को डरा धमका रहे हैं, अनैतिक कृत्य की मांग कर रहे हैं और उसके साथ अभद्रता, झूमा झटकी कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर मध्य प्रदेश की पुलिस शर्मसार होती नजर आ रही है प्रियांश जी। इमरान, कितने समय से आरक्षक के पद पर पदस्थ थे और क्या नशे की हालत में थे, ये स्पष्ट हो पाया है? बिल्कुल देखिए प्रियांशी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नशे की हालात में थे पुलिसकर्मी या फिर नहीं थे। शराब के नशे में उड़दंग मचाने का मामला सामने आया, लेकिन अभी तक पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है। लेकिन बताया गया है कि मुरैना में जो पदस्थ है ट्रैफिक पुलिस के तीन जवान, वो कहीं ना कहीं शराब के नशे में थे और शराब के नशे में होने के बाद उन्होंने पूरा उड़दंग मचाया और उड़दंग मचाने के बाद पूरी घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया और अंजाम इतना बुरा दिया कि वहां पर जो महिला थी या यहाँ पर जो महिला संचालन थी उनको स्पा सेंटर में कहीं ना कहीं उनके साथ झूमा झटकी भी की। सीसीटीवी में स्पष्ट देखा जा सकता है किस तरीके से महिलाओं से झूमा झटकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है और अनैतिक कृत्य की मांग की जा रही है। जब ये पूरा न करने के बाद कहीं ना कहीं उनके साथ झूमा झटकी और अन्य तरीके कई सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से भाग खड़े होते हैं। भाग खड़े होने के बाद हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, निलंबन भी हो जाता है और FIR भी दर्ज हो जाती है। लेकिन एक पहलू ये भी निकल कर आया था कि मुरैना पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन जो मीडिया तक ये मामला पहुंचा, मीडिया में जो वायरल हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके का कृत्य इन आरक्षकों का निकल कर सामने आया है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक पुलिसकर्मी अगर इस तरीके का महिलाओं से व्यवहार करेगा, इस तरीके से अगर बर्ताव करेगा तो आम पब्लिक किस तरीके से बर्ताव करेगी? और मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार, DGP जो है वो लगातार कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा, या मुख्यमंत्री की बात करूं तो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को और राजनेताओं को देते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करना है और महिलाओं के लिए कई सारी योजना सुरक्षा भी चलाई जा रही है। लेकिन ग्वालियर मुरैना की पुलिस इन CM के आदेशों का पालन तो छोड़िए, आप शर्मसार कर देने वाली घटना कहीं ना कहीं सामने आई है।
अब देखना होगा आगे का और क्या कुछ इनके खिलाफ कार्रवाइयां होती, क्योंकि एक बार फिर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस शर्मसार हुई है प्रियांशी। जी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बता दें खबर है ग्वालियर से, जहां आरक्षकों का वीडियो सामने आ गया है। स्पास सेंटर के अंदर अर्धनग्न पुलिस आरक्षक युवतियों से अनैतिक कृत्य के डिमांड का आरोप लगा है। तीनों आरक्षक मुरैना ट्रैफिक थाने में पदस्थ है। तीनों आरक्षक को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया।